हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग शायद अच्छे हैं। सो गाइस, देख सकते हैं एकदम अंधेरी रात हो चुकी है और सब लोग सो चुके हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस, आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो को बहुत ही यूनिक होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप लोग को हम दिखाते थे हर डेली का ब्लॉग, रोज न रोज एक वीडियो आपको देते थे, 8 बजे आपको इस चैनल मिल जाते थे। लेकिन आज का वीडियो जो है ब्लॉग ही है, लेकिन आज का ब्लॉग एकदम अलग तरीके का ब्लॉग है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा आपका जाने का मन भी नहीं करेगा इस वीडियो को छोड़कर। तो आप चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लाइफ स्टाइल आज का हमारा क्या था, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जब आज हम लगभग 5:30 बजे आ चुके, तो लगभग थोड़ी जस्ट उठने के 5-10 मिनट बाद फिर से मुझे क्या हुआ, एकदम अचानक से नींद लग गई। अचानक से नींद लगने के बाद जस्ट ऐसा सपना भयानक सा आया कि मानो कि जैसा कि कोई अजीब सी चीज़ हमारे पास आ गया हो। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे पैसे मिल गए हैं और सपने में मुझे एक पता है कितना पैसा, इतना पैसा, कितना पैसा, बहुत सारा पैसा मैं मिल गया था। लेकिन जस्ट उसके पैसे मिलने के 10-15 मिनट बाद ही क्या हुआ, हमारा नींद खुल गया। नींद खुलने के जस्ट बाद यार भाई देखा मेरा पैसा किधर गया यार, तो ऐसा अचानक से हुआ यार, काश यार सच में होता यार। फिर इसके बाद मैं सोचा छोड़ो इग्नोर करो इसे। जैसे फिर इसके बाद इग्नोर करने के जस्ट तुरंत बाद मैंने क्या किया, फटाफट से अपने हैंडपम्प पे गया और वहाँ पर मुँह वगैरह धोया कि यार छोड़ो हटाओ ये सब, क्या सपना कैसा आ गया। और फिर इसके बाद जस्ट हैंडपम्प के बाद आपको पता ही है ब्रश वगैरह करते हैं, ब्रश वगैरह करने के जस्ट बाद मैं अपना यहाँ पे जैसे बेड पे अपने आया, फिर इसके बाद नोट्स वगैरह लेके थोड़ा सा पढ़ने लगा। नोट्स वगैरह पढ़ने के जस्ट बाद लगभग कितने बज गए, वही 6:30 बज गए, 6:30 मतलब पूरा फ्रेश वगैरह होने में 8 बज गए, मतलब पढ़ाई वगैरह करने 8 बज गए। 8 बजने के जस्ट बाद तुरंत फिर नहाने भी चले गए। नहाने के बाद जस्ट तुरंत आंटी जी बोली खाना लाते हैं, खाना खा लो। तो खाना वगैरह खाए, पूजा वूजा करके खाना वगैरह खा लिए। खाना खाने की जस्ट बताया आपको उसके आधे घंटे जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आधे घंटे तुरंत अंकल जी आ गए, बोल रहे विशाल। मैं तो शौक में हो गया, क्या हो गया, फैन चला था, आवाज़ सुनाई नहीं दे, मतलब एक दो बार चिल्लाए बुलाए विशाल विशाल, मतलब स्लोली में, लेकिन मैं क्या किया स्लोली में नहीं सुन पाया। तो उन्होंने चिल्लाया विशाल, दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए, बोलने वाले को सोचा क्या हुआ। फिर बोल रहे हैं कि विशाल यार जाना है पेट्रोल पंप पे, चले जाओगे? धूप बहुत तेज़ी के साथ थी और फिर इसके बाद मेरी साइकिल भी बहुत गर्म हो चुकी थी, मतलब बाहर में धूप में ही खड़ी थी, बहुत ही गर्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं चले जाता हूँ। और फिर इसके बाद जाने के जस्ट बाद वहाँ पे पेट्रोल पंप पे मतलब पैसा वगैरह लेके चला गया। कितना तेल लाना था पता है आपको? नहीं पता है ना, बताते, 0.5 लीटर तेल लाना था। आज का प्राइस कितना है, 95 रुपये, लेकिन हमें 50 रुपये का अंकल जी बोले कि 50 रुपये का ले लो। पहले बोल रहे हैं कितना का आता है, मैंने कहा वही 2 रुपये मिलेगा बचेगा, तो बोले ठीक है 50 रुपये का ले लेना। 0.5 लीटर बोल रहे थे लेने के लिए, बोले 50 में कितना बचेगा, मैंने कहा 2 रुपये, तो बोले कि वही 2.5 रुपये। तो मैंने कहा कि अंकल जी बोले ठीक है 50 का ले लेना। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर क्या सीन हुआ पता है आपको, वहाँ पे कुछ ऐसे नहीं हुआ, जो डीजल वाला था मैं तुरंत साइकिल लेके अपना ऐसे से तुरंत पहुँच गया वहाँ पे। पहुँचने के बाद और हमारा पेट्रोल पंप जो ऐसा है कि पूरा गिट्टी विट्टी सब पड़ा हुआ है, हमारा टायर में थोड़ा हवा कम था, खच 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 ऐसे बोल रहा है। मैं तो मुझे लगा कि अब तो पंचर होगी, और पैसे जेब में थे नहीं कि, और 50 रुपये ले गए थे और कोई पैसे भी नहीं था, तो वो अगर पंचर हो जाती तो उसके लिए भी मैं क्या सोचता आज यार भाई कहाँ से फिर किसी के पास भाई मेरा पंचर बनाने के पैसे दे दो, तो फिर मांगना पड़ता किसी से। तो फिर ऐसा सीन हुआ कुछ कि जस्ट वहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए गए, तो पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल जब लेने गए, तो वो डीजल वाला जो था वो ट्रैक्टर में डीजल डाल रहा है और इतना टाइम लगा दिया डीजल भराने में, मतलब कि मानो कि पूरे टंकी भरवा रहा है, फुल करवा रहा है, पेट्रोल पंप ही अपने ट्रैक्टर में डलवा रहा है, इतना ज़्यादा 15-20 मिनट यार कोई तेल डलवाता है, खड़ 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 कर यार लगातार कितना तेल तुम डलवा रहे हो।
तो ठीक है वो सब हुआ। तो फिर इसके बाद मैं अपने साइकिल से बोला कितने का तुमने बताया, बोल रहा था डीजल डीजल जो देता है वो, तो मैंने कहा 50 का दे दो मुझे, तो मैं 50 का तेल लिया। फिर इसके बाद जस्ट टायर से जंग रोड़ा, फिर इसके बाद देखा सैलून खुली तो देख सकते हैं टायर वाड़ी सेट करवा लिया। कैसे भी करके घर पे पहुंचे, लेकिन घर पे जैसे भी पहुंचे तब भी एक कांड हो गया। राज बोल रहा है भैया तुम सारा तेल लड़ा दी हो। मैंने कहा नहीं, बोल रहा है कि हाँ देखो उधर पीछे की साइड, मतलब ऐसे ऐसे डब्बा था तो इधर ये जो है इस साइड का मेरे तरफ दिख रहा था, पीछे साइड जो है नहीं दिख रहा था, पीछे साइड जो है ऐसे पूरा ढक्कन जो था उसका ढीला हुआ था, ढक्कन से थोड़ा जो तेल मतलब जो रास्ते में ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकर होता है ना, ब्रेकर की वजह से साइकिल ऐसे ऐसे कर रही थी, मतलब ऊपर नीचे हुई जब साइकिल, तो तेल ऐसे ऊपर ढक्कन से होकर नीचे आया तो पीछे साइड ऐसे गिर रहा था, तो ज़्यादा मतलब गिरा नहीं था, पास में ही ब्रेकर ब्रेकर था तो उसी की वजह से तेल गिरा, और ज़्यादा तेल गिरा नहीं, फिर भी बोल रहे कितना तेल गिर गया। मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तेल गिरा है, वैसे भी साइकिल हुआ थी, परेशान हो गए धूप में जाते हुए, तुम भी यार रहने दो, हवा लेने दो, फिर पानी वानी लाओ पिए। फिर इसके बाद तो पानी वगैरह लाया, बोले चल ठीक है। और फिर इसके बाद जो तेल था, अंकल जी बोले विकास को कॉल कर, नहीं शाम को चले जाना, वो मुरई बोया गया है खेत में तो उसको भरना था, तो क्या हुआ, बोले कि जाकर भर देना। तो उन्हें पता था मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ शाम को, तो बोले तुम तो नहीं जा पाओगे, विकास को बोल देना चला जाएगा। तभी वो कोचिंग वो स्कूल में गया था, तो बोले कि ठीक है उसको कॉल कर देना, नहीं तो आएगा, अगर आ जाएगा तो भेज देना, नहीं तो अगर नहीं आता तो कॉल करके बोल देना कि कब तक आ रहे हो, दो मतलब 2-3 बजे कॉल कर देना, अगर नहीं आए तो। उसे कॉल तो नहीं किया, भूल गया कॉल करना, लेकिन क्या हुआ वो 4 बजे आया, 4 बजे जब आया आंटी जी तो डीजल लेके चली गई थी खेत में, एक अंकल जी हैं उनके मशीन से भरा जाता है डीजल डाल के। तो 4 बजे आया तो मैं कोचिंग पढ़ा रहा था बच्चों को, तो पढ़ाते समय बोला विकास से कि खाना वाना खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो 5 मिनट, फिर चले जाओ खेत में, आंटी जी गई डीजल लेके और खेत को भरना है। तो उसने क्या किया तो पूरा लेके, तो बोला ठीक है भैया चले जाएंगे हम, तो वो खाना वाना खाया, फिर रेस्ट किया, फिर वो गया। तो मैंने क्या किया, फिलहाल में सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, बच्चे हमारे बहुत खुरापाते, कभी मिलवा देंगे उनसे। और फिर इसके बाद जस्ट फिर उसके बाद आराम, जैसे कि मतलब यार फाइन फाइन है, पढ़ाने के बाद यहाँ पे आए फैन से आवा रहे, तब से रमेश अंकल का पकड़ा, बोल रहे हैं मेरा मोबाइल सही करो तुम, उनका मोबाइल ख़राब था, अगर वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा उनका मोबाइल एकदम ख़राब था, ले गए थे हम जमा किए थे बनवाने के लिए, तो फाइनली आज 14 दिन के बाद बन के आए, आज जो शनिवार था उसके शनिवार को, उस शनिवार को दिए थे हम, लेकिन आज जो है बन के आया सुबह में, दोपहर में गए थे लाने के लिए, तो लाए तो उनका सब फोटो जितना था सब कुछ डिलीट हो गया था, कुछ भी उसमें उनके फ़ोन पे था नहीं, बोले हमारा फोटो सब उड़ गया, हमारा फेसबुक उड़ गया, हमारा इंस्टाग्राम उड़ गया, हमारा यूट्यूब का जो जीमेल अकाउंट था वो उड़ गया, सब नंबर उड़ गया, सब कुछ हमारा बनाओ, अब पकड़ के वो भी बैठ गए, बोले बनाओ। तो उनके में आधा घंटा लगा पूरा एक तरफ से सेटिंग करने में, वही जब सेटिंग वेटिंग है तब जाके मुझे आज रेस्ट मिला। फिर इसके बाद आराम से आए बिस्तर पे, पानी वानी पी के फिर रेस्ट किया। फिर इसके बाद ऐसे ऐसे में कितना कितना टाइम हो गया, 8 बज गए। फिर इसके बाद जैसे वीडियो बनाने चला तो खुशी आ गई, बोले भैया खाना खा लो, ये कहा फिर से आ गई। मैंने कहा बहनी खाना खा लेंगे, पहले वीडियो बना खाते हैं, बोले नहीं भैया पहले खा लीजिए फिर इसके बाद वीडियो बनाइए, नहीं तो नहीं बना लेंगे, एक और आप हो गई। मैंने कहा ठीक है अच्छा खा लेते हैं फिर इसका वीडियो बनाते हैं। तो फाइनली फटाफट से खाना खाए, तो फिर इसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली अभी तो वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप चलेंगे देख सकते हैं पसीना बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, फैन बंद कर दिए हैं ताकि आवाज़ आपके साथ क्लियर आए। तो चलिए आप आज की जो लाइफ स्टाइल थे आप पूरा बता दिए, आपको बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा मजाकिया रूप में था, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, नेक्स्ट लाइफ स्टाइल के वीडियो के साथ, आपको आज से इसी सेटअप पे वीडियो देखने को मिलेगी, आज के पूरे सुबह से लेकर शाम तक की जो लाइफ स्टाइल है सब कुछ एकदम अच्छे से बताएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद टाटा।